नमस्कार दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अराउंड सेवेंटी एट परसेंट जो है आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी इसके अलावा नाइट्रोजन जो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सभी लिविंग थिंग्स के लिए तो आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है सब लिविंग थिंग्स के लिए अमीनो एसिड

उसकी हेल्प से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है और उसके बाद जो है नाइट्रोजन का यूज किया जाता है यह बैक्टीरिया क्या करता है यह बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको थोड़ा हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन के अंदर हम मेनली देखेंगे फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसके अलावा वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि सिंबायोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं बैक्टीरिया राइजोबियम तो और ब्लू ग्रीन एल्गाई तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अजेटोबैक्टर दोस्तों मैंने बताया अजेक्टोबैक्टर एक फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है तो ये आपको कभी भी प्लांट्स के नूडुल्स में देखने को नहीं मिलेगा ये हमेशा आपको सोइल के अंदर देखने को मिलेगा ये जो है इंडिपेंडेंट होता है प्लांट्स नूडुल्स के यहां पे हालांकि मैंने इस पिक्चर का यूज किया है आपको समझाने के लिए लेकिन अजेक्टोबैक्टर एक फ्री लिविंग नाइटिफाइंग बैक्टीरिया है ये आपको कभी भी प्लांट नूडुल्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा और ये जो अजेक्टोबैक्टर है ये अरोबिक नाइटिफाइंग बैक्टीरिया है मीन ये ऑक्सीजन का यूज करेगा अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ये ऑक्सीजन का यूज करेगा उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्लोस्टेडियम देखो ये इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये क्लोस्टेडियम बैक्टीरिया है और ये भी एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ये भी आपको जो सोइल के अंदर देखने को मिलेगा एजोटोबैक्टर और क्लोस्टेडियम में केवल इतना ही फर्क है जो एजोटोबैक्टर था वो एक एरोबिक नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया था मींस वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जो है ऑक्सीजन का यूज करता था लेकिन क्लोस्ट्रीडियम जो है ये एक अनोबिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है मींस ये ऑक्सीजन का यूज नहीं करेगा और ये भी आपको फ्रीली सॉइल के अंदर मिलेगा और इसका काम भी क्या है इसका काम भी वही है जो अजेक्टोबैक्टीरियर करता है यह भी नाइट्रोजन को जो है अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करेगा उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहने वाले नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसके अंदर सबसे पहला एग्जाम है, एग्जाम्पल है राइजोबियम राइजोबियम जो है इनके साथ ये आपको जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अटैच दिखेगा और इसका क्या काम होता है इसका काम भी वही है जो पहले जो अजेक्टो और क्लोस्टोडियम करते थे नाइट्रोजन को फिक्सेट करेंगे ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा अमोनिया के अंदर उसके अलावा ब्लू ग्रीन एलगाई ये आपको कहा देखने को मिलेगा ये आपको कभी भी लेगुनस प्लांट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा ये जो आप देख पा रहे हो ये हल्की सीकाई इसी को बोलते ब्लू ग्रीन ये आपको कभी भी लेगुनस प्लांट के रूट नूडुल्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं और इसका क्या काम है इसका भी वही काम है ये भी नाइट्रोजन को फिक्सेट करेगा नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करेगा इस ब्लू ग्रीन एलगाई के दो अच्छे एग्जांपल है एक एनाबीना उसके अलावा Sprulina. तो यहां पे हमने देखा फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसके जो बैक्टीरिया रिलेशनशिप uh, के अंदर रहते हैं उनको हमने यहां पे डिस्कस किया दोस्तों हमने बायोलॉजिकल फिक्सेशन के अंदर हमने यह समझ लिया है कि कैसे सर्टेन बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्सेट करते हैं उसके बाद फर्दर क्या प्रोसेस होता है एक प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन उसके अलावा एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन और इस एक को बोलते हैं अमोनिफिकेशन या मिनरलाइजेशन ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस मैंने बताए इनकी मदद से ही नाइट्रोजन साइकिल जो है कंप्लीट हो पाती है दोस्तों ये जो nitrification है, ये जो नाइट्रिफिकेशन है है एक टू स्टेप प्रोसेस प्रोसेस पहले के अंदर क्या होता है पहले प्रोसेस के अंदर अमोनिया का कन्वर्जन होता है नाइट्राइट्स के अंदर उसके बाद नाइट्राइट्स का कन्वर्जन होता है नाइट्रेट्स के अंदर और इसी को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन दोस्तों जब नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्जन हो जाता है उसके बाद काम आता है डी बैक्टीरिया का वो क्या करते हैं वो नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस के अंदर और नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट होकर दोबारा से एटमोस्फियर के अंदर आ जाती है और इस तरीके से कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल बनती है तो दोस्तों आपने यहां पे कंप्लीट साइकिल को समझा कि कैसे एनिमल और प्लांट जब मर जाते हैं तो अमोनिया से कैसे नाइट्रेट्स बनाते हैं और नाइट्रेट्स से कैसे नाइट्रेट्स बनता है उसके बाद जो है डीनाइट्रीफिकेशन बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजन दोबारा एटमोस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है, इसी को बोलते है, के जो है इस नाइट्रेट्स को जो पौधे ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और अब्जॉर्व करके क्या करते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं उसके अलावा बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो इनको बनाते वो बनाते हैं तो इसी को बोलते हैं असिमलेशन दोस्तों यहां पे आपको मैं एक और टर्म समझाना चाहूंगा मिनरलाइजेशन या इसको अमोनिफिकेशन भी बोला जाता है ये यह यहां पे जो प्लांट्स और ये जो एनिमल देख रहे हो जब इनका डिके हो जाता है जब ये मर जाते हैं तो क्या होता है इनके अंदर जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया के अंदर और उसी को बोला जाता है अमोनिफिकेशन या मिनरलाइजेशन तो दोस्तों हमने यहां पे समझ लिया है नाइट्रिफिकेशन उसके अलावा अमोनिफिकेशन या मिनरलाइजेशन ये क्या होते हैं सो so, हमने देखा नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन क्या होता है हमने देखा नाइट्रिफिकेशन जो एक टू स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर अमोनिया पहले तो जो है नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट होता है और नाइट्राइट्स के बाद जो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन उसके अलावा हमने देखा असिमलेशन Assimilation के अंदर क्या होता था जो नाइट्रेट्स बनते थे उनको पौधे जो है यूज कर लेते थे किसके लिए यूज करते थे प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए अमीनो एसिड वगैरह या जो अदर नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो बनाने के लिए पौधे इस नाइट्रेट्स का यूज कर लेते थे तो उसी को बोलते थे असिमुलेशन उसके अलावा हमने एक और टर्म को सीखा था अमोनिफिकेशन या मिनरलाइजेशन मैंने बताया जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते थे तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते थे जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड होते थे उनका ब्रेकडाउन होता था और ब्रेकडाउन के बाद क्या बनता था अमोनिया उसी को बोलते थे अमोनिफिकेशन या मिनरलाइजेशन दोस्तों जब

फिजिकल फिक्सेशन के अंदर क्या होता है जब लाइटनिंग और थंडरस्टोन आता है तो एनवायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया या नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बाद में बारिश के द्वारा ये जो अमोनिया और नाइट्रेट्स हैं ये अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और इसको सोइल जो है ऑब्जॉर्व कर लेती है जब सोइल इनको ऑब्जर्व कर लेती है उसके बाद हम सारा प्रोसेस ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का रोल आता है जिसके अंदर हमने सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का डिस्कस किया उसके अलावा फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का डिस्कस किया जब सोइल के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं इसको दोबारा फिक्स करके प्लांट्स के अंदर भेज देते हैं तो कैसे एटमोस्विक नाइट्रोजन जो है लाइटनिंग और थंडरस्टोन की वजह से अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होती है और कन्वर्ट होने के बाद वो सोइल उसको कैसे ऑब्जॉर्व करती है और सोइल ऑब्जॉर्व करके उसको प्लांट्स के अंदर भेज देती है और एक तरीके से साइकिल को कंप्लीट करती है दोस्तों हमने फिजिकल फिक्सेशन और बायोलॉजिकल फिक्सेशन कंप्लीट कर लिया है अब हम डिस्कस करते हैं अपना लास्ट इंडस्ट्रियल फिक्सेशन इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों ये Dostupra, hai, industrial fixation. Industrial fixation Dostupra, आपने सुना होगा हब्बर बोस प्रोसेस दोस्तों इस हबरबोस प्रोसेस से है, hai, ammonia, जो है अमोनिया बनाया जाता है और अमोनिया जो है वो एक बेस प्रोडक्ट यूज किया जाता है बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आपने यूरिया सुना होगा यूरिया का भी प्रोडक्शन जो है अमोनिया का यूज करके ही हो होता है उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम सल्फेट अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एन इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट इसको बनाने के लिए भी अमोनिया का यूज किया जाता है उसके अलावा जो अमोनियम सल्फेट है उसको बनाने के लिए भी जो है अमोनिया का यूज किया जाता है तो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के अंदर हमने क्या देखा इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के अंदर इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है अमोनिया और अमोनिया का यूज करके जो डिफरेंट डिफरेंट जो फर्टिलाइजर है वो बनाया जाता है जैसे यूरिया उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट उसके अलावा जो है अमोनियम सल्फेट तो ये था हमारा आज का कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल इसके अंदर हमने देखा बायोलॉजिकल फिक्सेशन इंडस्ट्रियल फिक्सेशन और फिजिकल फिक्सेशन तो दोस्तों यहां पे हमारी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है तो आज की के लेक्चर के अंदर केवल इतना ही जो नेक्स्ट है सेडिमेंटरी साइकिल उसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू